ब्रेक स्टेटमेंट को हम देख रहे थे, इसमें हम एक और चीज़, एक छोटे सा काम करते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं। असाइनमेंट ये है कि हमारे ना दो नंबर इनपुट करें, दो नंबर, एक न्यूमिरेटर और एक डिनोमिनेटर, और हमसे इनपुट लेता जाए, डिवाइड करता जाए, जब तक डिनोमिनेटर जो है ना वो ज़ीरो नहीं हो जाता, यानी ज़ीरो नहीं कोई गलती से इनपुट करता। तो मैं कहता हूँ n इज इक्वल्स टू इनपुट इंट इनपुट एंटर न्यूमिरेटर, या न्यूमिरेटर एंटर न्यूमिरेटर एंड देन आई से एंटर डिनोमिनेटर। तो ये क्या होगा, आपको पता है कोई भी चीज़ डिवाइड ज़ीरो नहीं हो सकती। स्टक हो गई थोड़ा कीबोर्ड। एंटर न्यूमिरेटर और एंटर डिनोमिनेटर, डी इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर डिनोमिनेटर, ये हमसे पूछे जाए। और ये हमने लूप में करना है, तो हम कहते हैं लूप ही हम कर देते हैं वाइल ट्रू, यानी कि लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हम कहते हैं वाइल ट्रू, ये इनफाइनाइट लूप है, राइट? तो कब ख़त्म होगा, ख़त्म तो करना है ना हमने कभी ना कभी इसको। तो वो इससे इनपुट करें और प्रिंट आंसर इज हम ये कहेंगे एन एस टी आर एन डिवाइडेड बाय, ये हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो भी हमारी वैल्यू है, प्लस एस टी आर डी डिनोमिनेटर, डी इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। क्या होता है आंसर, एन बाई डी। तो ब्रेक कब करेगा, ये आपकी प्रिंटिंग होगी, एस टी आर इसको करते हैं, इसका आंसर देगा। अगर इफ डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये तो सबसे पहले ये काम करेगा ना, प्रिंट तो तब करेगा ना। इफ डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इफ डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कभी भी डी ज़ीरो है तो ब्रेक कर दे, ठीक है जी? डी अगर ज़ीरो है तो वो ब्रेक कर देगा, एंड अदरवाइज वो प्रिंट करता जाएगा, साथ ही प्रिंट करता जाएगा, राइट? तो हम ये भी कह सकते हैं प्रिंट नंबर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो, दैट्स इट। अब ये देखिएगा, ये लूप से आप इनपुट लेता जाएगा जब तक आप डिनोमिनेटर ब्रेक, सेमीकोलन ब्रेक आ रहा था यहाँ, न्यूमिरेटर 4 डिवाइडेड बाय 6, आ गया आंसर। फिर उसने पूछा 8 डिवाइडेड बाय 1, नो इशू। अब 9 डिवाइडेड बाय 6, राइट? अब हम कहते हैं जी 89 डिवाइडेड बाय 0, प्रोग्राम ख़त्म, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। देखिए आप, अदरवाइज ये प्रोग्राम एंड ही नहीं होना था, ठीक है? अदरवाइज ये प्रोग्राम एंड ही नहीं होना था, इसने कंटिन्यू ही रहना था, क्योंकि ये लूप इनफाइनाइट है, हमेशा ट्रू है, ये चलते रहना था। कब ये एंड करना था, तो इस तरह के काफ़ी काम आप ब्रेक के ज़रिए आप कर सकते हैं, राइट? कोई इशू इसके अंदर, तो लेट्स सी इफ एनीथिंग एल्स इसमें कंटिन्यू का, इसमें कंटिन्यू के कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं। मे बी हम कहते हैं जी ज़ीरो पे आप इसको कंटिन्यू कर दें और मैसेज भी दे दें कि नहीं भाई ये काम नहीं होगा, आगे चलें,
यानी ये वाला नीचे वाला काम नहीं होगा अदरवाइज। और ब्रेक अगर अगर आप क्या न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जीरो होते हैं तो तब वो उसको ब्रेक कर दे वरना कंटिन्यू करें। सो दिस इज अगर बहुत सी आपकी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा।